साथियों, कैसे हो आप सब। मैं सोनू, स्वागत करता हूँ आपका सोनू कंपटीशन क्लासेज में। दोस्तों, हम उड़ान आसमान के पार्ट नंबर 7 लेके आए हैं, और दोस्तों हमने इससे पहले 36 क्वेश्चन तक सोल्व किए हैं, और मैंने सारे मेथड आपको बताए हैं कि डिफरेंशिएशन में कैसा मेथड और कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, उन पे बेस हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने लिमिट का पूरा टॉपिक आपको क्लियर करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, ऊपर आई टैब पे आपको प्लेलिस्ट मिलने वाली है, वहाँ से आप लिमिट के सारे वीडियो देखिए, फिर डिफरेंशिएशन के वीडियो देखिए। इससे पहले के मैंने फॉर्मूले भी करवाए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाए हैं, एयरपोर्ट्स में आए हुए क्वेश्चन करवाए हैं, और जो आने वाले क्वेश्चन हैं सेम टू सेम नहीं आ सकते, संख्या चेंज हो सकती है, ऐसे क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाए हैं। और दोस्तों देखिए, इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े ही आसान तरीके से हम सोल्व करेंगे सारे क्वेश्चनों को। और दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, क्योंकि मैं आपको 2-3 तरीके से क्वेश्चनों को सोल्व करवाने वाला हूं। ध्यान दीजिएगा, अक्स इक्वल्स टू क्या है, टी प्लस वन अपॉन टी इक्वल्स, और ये दूसरा है, ये दूसरा है वाई इक्वल्स टू। थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक है, तो ध्यान दीजिएगा, y इक्वल्स टू क्या है भाई, y इक्वल्स टू है t माइनस वन अपॉन टी। तो हमें ज्ञात क्या करना है भाई, dy अपॉन dx ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, मैंने पहले के वीडियो में आपको अच्छी वे में से हमने 7 से 8 क्वेश्चन सोल्व किए हैं कि दूसरे के फंक्शन को कैसे डेरिवेटिव करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इसको करेंगे dx अपॉन t के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, t के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्या होने वाला है, d अपॉन डी टी टी प्लस वन अपॉन टी। इसका क्या होगा भाई, t का 1 हो जाएगा, 1 अपॉन t का क्या होगा, माइनस 1 अपॉन टी स्क्वेयर। तो माइनस से इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, माइनस 1 अपॉन टी स्क्वेयर। इसको सोल्व करेंगे तो टी स्क्वेयर माइनस वन अपॉन टी स्क्वेयर है, ठीक है, और डी वाई अपॉन डी टी इसका करेंगे तो क्या होगा, ओके इसका क्या हो जाएगा भाई, टीका हो जाएगा 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस टी स्क्वेयर। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 टी स्क्वेयर क्या होने वाला है, 1 माइनस 1 अपॉन माइनस माइनस क्या कर दिया, प्लस टी स्क्वेयर अपॉन टी स्क्वेयर। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है dy अपॉन dx, हमें ज्ञात करना है dy अपॉन dx। तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन dt इक्वल्स टू dx अपॉन dt, और इनकी वैल्यू क्या है रख दीजिएगा, dy की वैल्यू क्या है, t स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन t स्क्वेयर। फिर इसकी वैल्यू क्या है, t स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन t स्क्वेयर। ध्यान दीजिएगा कि कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास क्या बन रहा है, टी स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वेयर माइनस 1। मिलान कीजिएगा कौन सा ऑप्शन है, टी स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वेयर माइनस 1, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 38 नंबर क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कोई अलग नहीं है। यदि y इक्वल्स टू e की पावर साइन x है तो dy dx का मान ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे, हमने देखा है, क्या देखा है, e की पावर साइन x। ध्यान दीजिएगा, e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x का होता है e की पावर x, फिर हम x का करते हैं, किसका, इस x का करते हैं तो क्या होता है, 1 होता है भाई, ठीक है। तो पहले हम e की पावर x का करेंगे, फिर x का करेंगे। e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x, x की जगह क्या है, sin x है, फिर x का करेंगे, x की जगह क्या है, sin x है, तो इसका करेंगे d अपॉन dx sin x का,
ठीक है, क्या होने वाला है भाई, e की पावर साइन एक्स और इसका हो जाएगा कोस एक्स। मिलान कीजिएगा, कोस एक्स e की पावर कोस एक्स है ये नहीं है, e की पावर साइन एक्स ये भी नहीं है, e की पावर साइन एक्स डॉट कोस एक्स ये है ये भी नहीं है। ओके, ऐसे हम चेक करेंगे और मैं आपको अब टाइम मैनेजमेंट करना सिखाऊंगा, क्योंकि अब हमने बहुत ही अच्छी वे में कर लिया है, अब हम स्पीडली करेंगे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये u इंटू वी वाला है, u इंटू वी वाला क्या होता है, d अपॉन dx u इंटू वी, इसका क्या होता है, u ऐसा का ऐसा v का कर देते हैं, प्लस v ऐसा का ऐसा u का कर देते हैं, क्या कर देते हैं, डेरिवेटिव। ध्यान दीजिएगा, सेम टू सेम हम ऐसा ही करने वाले हैं, इसको हम u मानेंगे, इसको हम v मानेंगे, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, x का रिस्पेक्ट में। u को हम ऐसा का ऐसा करेंगे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x क्यूब, फिर v का करेंगे क्या, डेरिवेटिव e की पावर 3x, फिर प्लस v को ऐसा का ऐसा रखेंगे, v की वैल्यू क्या है भाई, e की पावर 3x, फिर u का करेंगे क्या, डेरिवेटिव x क्यूब। तो क्या होने वाला है हमारे पास, x की पावर 3, e की पावर 3x का क्या होता है भाई, e की पावर 3x, फिर इस 3x का करेंगे तो इसका क्या होने वाला है, 3, ठीक है, फिर e की पावर 3x ऐसा कैसा है, और 3x x क्यूब का क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर। मिलान कीजिए, मैं इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेता हूँ, 3x क्यूब e की पावर 3x प्लस 3x स्क्वायर e की पावर 3x। मिलान कीजिएगा, चलो इसमें से e की पावर को भी कॉमन निकाल लेते हैं और 3x को भी कॉमन निकाल लेते हैं, जो कॉमन है इसको कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या बनने वाला है, 3x स्क्वायर e की पावर 3x क्या बन रहा है भाई, x प्लस 1। ध्यान दीजिएगा, हमारा ऑप्शन सी है, हमें हम सॉल्व कर लेते हैं लेकिन ऑप्शन को अच्छे से मैच नहीं कर पाते हैं, तो हमें इसको थोड़ा और सॉल्व करना चाहिए जिससे हमें ऑप्शन मैच हो जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 40 नंबर क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो एफ डेस एक्स याद कीजिए भाई, मैंने एफ डेस एक्स के बारे में भी बता रखा है, इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे एफ डेस एक्स, इसको ऐसे भी कर सकते हैं डी एफ ओन डी एक्स एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एफ डेस एक्स बोलते हैं। तो क्या करेंगे, डी एफ ओन डी एक्स एम एक्स प्लस सी, इसका डेरिवेटिव क्या होता है भाई, एम होता है, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, ऐसे एयरपोर्ट्स में आते हैं तो हम क्लियर कर लेंगे, लेकिन अब थोड़ा इसका लेवल हाई कर दिया है एयरपोर्ट्स में मैथमेटिक्स का। तो ध्यान दीजिएगा, ये एस है यहाँ, ओके, और ये क्या दिया हुआ है हमें, यदि s इक्वल्स टू 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5 तो d स्क्वायर s अपॉन dt स्क्वायर ज्ञात कीजिए, सेकंड डेरिवेटिव ज्ञात करना है हमें, क्या ज्ञात करना है, सेकंड डेरिवेटिव ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव ज्ञात करना है ds अपॉन dt, इसको बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव, इसको कैसे करेंगे, डी एफ ओन डी टी 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5,
इसको डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होने वाला है, 6t + 2। ध्यान दीजिएगा, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है हमारा। अब ज्ञात करेंगे हम सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव क्या होता है भाई, d² s / dt² कैसे हुआ मैं समझा देता हूँ। हम फर्स्ट को डेरिवेटिव करते हैं, फर्स्ट क्या था, ds / dt, ठीक है। तो क्या हुआ फाइनली, ये हुआ। अब किसका करेंगे हम, d / dt, फर्स्ट ये है तो इसका करेंगे 6t + 2, इसका क्या होने वाला है, 6। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी आसान सा क्वेश्चन था, इसको हमने डेरिवेटिव किया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42। 42 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि y = √t² - 1 तो क्या ज्ञात करना है, d / dt। आसान सा क्वेश्चन है, बड़ी ही आसान तरीके से करेंगे इसको सॉल्व। dy / dt = √t² - 1। ध्यान दीजिएगा, पहला पहले किसका करेंगे हम, t का क्या होता है भाई, 1/2√t, रूट की जगह t की जगह क्या है, t² - 1। फिर किसके करेंगे, इसके अंदर वाले पार्ट का, t² - 1 का, तो क्या हो जाएगा, 2t - 1 का क्या हो जाएगा, 0। ध्यान दीजिएगा, 2 से 2 क्या हो रहा है, कैंसिल, तो हमारे पास क्या बन रहा है फाइनली, t / √t² - 1। मैच कीजिएगा आंसर, t / √t² - 1, t / यहाँ रूट नहीं लगा हुआ है, यहाँ रूट था, इसमें थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक है भाई, तो मैच कीजिएगा t / √t² - 1। हम एक बार और चेक कर लेते हैं, हाँ ओके। नेक्स्ट देखिए 43, यदि f(x) = e^(x.log(x) हो तो f' का मान ज्ञात कीजिए, f' वही फर्स्ट डेरिवेटिव ज्ञात करना है हमें, तो कैसे करेंगे, ये भी u * v से, इसको हम u मानेंगे, इसको हम v मानेंगे, तो क्या है फॉर्मूला f' का, f' क्या होता है, df/dx, और इसका देखिए e^(x) / log(x), ठीक है। तो हम फर्स्ट इंटू सेकेंड वाले से करेंगे या u * v वाले से करेंगे, u ऐसा का ऐसा, v का डेरिवेटिव, प्लस v ऐसा का ऐसा, और फर्स्ट का डेरिवेटिव, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो क्या होने वाला है, e^(x) log(x) का करेंगे तो 1/x + log(x) ऐसा का ऐसा, और e^(x) का क्या होता है भाई, e^(x) मैच करिए, हमें ऑप्शन ऐसे नहीं है, तो क्या करेंगे हम, e^(x) / x को क्या निकाल लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे, e^(x) देखो दो जगह e^(x) / x है, तो हम क्या करेंगे, e^(x) को कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ क्या बनने वाला है भाई, 1 + यहाँ क्या है, x नहीं है, कॉमन निकाला, मैच कीजिएगा, क्या है e^(x) / x cos 1 + x log(x), हमारा ऑप्शन नंबर बी है। आप ऐसे क्वेश्चन को अगर सोल्व करोगे
तो मुझे पता है आपके पास ये होगा, क्योंकि आप थोड़ी बहुत सेल्फ मिस्टेक कर दोगे, जबकि ऐसा नहीं करना है हमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, ये तो आसान सा क्वेश्चन है भाई, इसकी वैल्यू जीरो है। कैसे है, ध्यान दीजिएगा, एक फॉर्मूला मैंने करवाया था, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स सॉरी कोस इनवर्स एक्स का क्या होता है भाई, पाई बाई टू। तो हम रख देंगे इसकी जगह डी अपॉन डी एक्स पाई बाई टू, और इसकी वैल्यू क्या होती है कॉन्स्टेंट की, जीरो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, और 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी आसान सा क्वेश्चन है। ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला होता है, 3 टेन इनवर्स x का, किसका होता है, 3 टेन इनवर्स x का। तो हम इसको क्या चेंज करेंगे, इसको हम चेंज कर लेंगे y इक्वल्स टू 3 टेन इनवर्स x, और हमें ज्ञात करना है dy y अपॉन dx। तो क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, 3 कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर निकाल लिया और टेन इनवर्स का कर देंगे। फिर ध्यान दीजिएगा, 3 बाहर है, टेन इनवर्स का क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास फाइनली आंसर क्या हुआ, 3 प्लस 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, आसान सा क्वेश्चन था, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन था, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, वरना तो आप इसको बहुत लेंथी तरीके से करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का अवकलन गुणांक एक्स के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, एक्स के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स एक्स का एक फॉर्मूला होता है डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स का, मैं किसका बता रहा हूँ आपको, साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है भाई, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यह साइन इनवर्स का होता है भाई, किसका होता है, साइन इनवर्स का। हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास दे रखा है साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, किसका दे रखा है, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो हम किसका करेंगे, डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, एक्स की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो मैं ऐसा ही करूंगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर फिर इसका होल स्क्वायर, क्योंकि एक्स यहाँ एक्स है, तो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर किया है, जबकि यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर कर दिया है। फिर इसका करेंगे किसकी, इसका पावर का, किसका करेंगे भाई, इसके पावर का, पावर का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 एक्स। फाइनली हमारे पास क्या बन रहा है, 2 एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4। ओके, और मैच कीजिएगा हमारे पास बी ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 47 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ इक्वल्स टू है। ठीक है, ये तो आसान सा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो डी वाई वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स इक्की पावर एक्स प्लस इक्की पावर माइनस एक्स। ध्यान दीजिएगा, इक्की पावर एक्स का होता है इक्की पावर एक्स प्लस, फिर इक्की पावर माइनस एक्स का होता है माइनस एक्स, फिर इसका क्या होगा, माइनस वन। तो इसको फाइनली क्या करेंगे, इक्की पावर एक्स माइनस इक्की पावर माइनस एक्स। ओके, और ये रहा ऑप्शन नंबर बी। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूँ, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और दोस्तों, हमने 48 क्वेश्चन किए हैं, और क्वेश्चन आपको सॉल्व करना कैसा लगा, आपको समझ में आया या नहीं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके आगे का वीडियो मैं जल्द ही अपलोड करने वाला हूँ। थैंक यू।